दोस्तों, जैसे जैसे हिंदी सिनेमा में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो रहा था, वैसे वैसे फिल्मों में गाने भी बढ़ने लगे थे। अच्छे अच्छे प्लेबैक सिंगर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। सिनेमा के शुरुआती दौर में एक से बढ़कर एक प्लेबैक सिंगर्स आए और उन्होंने अपने टैलेंट का लोहा भी मनवाया। ऐसे ही कामयाब प्लेबैक सिंगर्स में से एक थी शमशाद बेगम। अगर आप पुराने गीतों के शौकीन हैं तो आपने मेरे पिया गई रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, लेके पहला पहला प्यार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कजरा मोहब्बत वाला अंखियों में ऐसा डाला, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ये गाने आपने जरूर सुने होंगे। इन गानों के पीछे जो मीठी आवाज है वो गोल्डन एरा की मल्लिका शमशाद बेगम की है। उन दिनों सुरैया और नूरजहां का जमाना हुआ करता था। वो प्लेबैक सिंगिंग के साथ फिल्मों में एक्टिंग भी किया करती थी, हीरोइन बनकर आती थी पर्दे पर, तो शमशाद बेगम को भी फिल्मों में हीरोइन बनने के ऑफर आने लगे। लेकिन शमशाद बेगम ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए फिल्मों में एक्ट्रेस बनना कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने संगीत और अपनी गायकी को निखारा। शमशाद बेगम ने यमला जट और गवंडी जैसी पंजाबी फिल्मों के बाद पहली बार एक हिंदी फिल्म आई थी खजांची, उसके लिए गीत गाए थे जो उस दौर में बड़े कामयाब हुए थे। शमशाद बेगम सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली प्लेबैक सिंगर थी और वो गाना गाने के लिए मोटी फीस भी लिया करती थी। शमशाद बेगम की निजी ज़िंदगी को देखा जाए तो वो भी विवादों में रही, उनकी शादी काफ़ी विवादित रही। शमशाद बेगम को 15 साल की उम्र में एक हिंदू शख्स गणपतलाल भट्टो से प्यार हो गया, तो उन्होंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर गणपतलाल भट्टो से शादी कर ली। उनकी इस शादी से उनके घरवाले और उनकी कम्युनिटी के लोग काफ़ी नाराज हुए थे, लेकिन शमशाद बेगम ने किसी की भी परवाह नहीं की और उन्होंने अपने पति गणपतलाल भट्टो के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। उनके बारे में एक बात और मशहूर है कि इतनी बड़ी प्लेबैक सिंगर होने के बावजूद शमशाद बेगम पब्लिसिटी से कतराती थीं। उन्हें पार्टियों में जाना और तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहा जाए तो शमशाद बेगम एक डाउन टू अर्थ लेडी थी। दोस्तों, ऐसा भी सुना है कि लता मंगेशकर ने अपने कैरियर का पहला गीत गाने से पहले शमशाद बेगम के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था, तो शमशाद बेगम की इज्जत भी काफ़ी थी फिल्म इंडस्ट्री में और लता जी तो उन्हें बहुत सम्मान देती थी। 14 अप्रैल 1919 को जन्मी शमशाद बेगम का 23 अप्रैल 2013 को 94 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन मुझे लगता है जिस आवाज से उन्होंने फिल्मी दुनिया को नवाजा और उनकी जिस गायकी के लिए दर्शकों का प्यार उन्हें मिला, वो किसी भी अवार्ड या पुरस्कार से बढ़ के है। यूं तो उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था, लेकिन एक कलाकार के लिए लोगों का जो प्यार होता है, लोगों का जो सम्मान होता है उसके प्रति, वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो सुरों की मल्लिका शमशाद बेगम के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो अपने लाइक्स दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपका ये प्यार, ये सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने
रखता है।